When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Hey guys, good morning. आज है 13th सितंबर 2024 और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:40 और अभी हम लोग हैं जिस्पा में और ये है एपिसोड नंबर 11 लद्दाख सीरीज़ का। सो आज का प्लान ये है कि हम लोग जिस्पा से जाएंगे चंडीगढ़। सो डिस्टेंस कुछ अराउंड 340 के आसपास है और हम इसको कवर करने लगेंगे कम से कम 10 घंटे। सो बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और मैं आपको अब जो होटल है बाहर से जहाँ रुके हैं गेस्ट हाउस जो है मैं वो दिखा देता हूँ बाहर से। कल मैं आपको रूम दिखा दिया था। सो ये है गेस्ट हाउस जहाँ पर हम रुके थे जिस्पा में और ये हमारी हाइनेस लोडेड आज के लिए। सो ये कुछ ऐसा है मौसम, आज थोड़ा क्लाउडी हो रहा है। ट्रिप पे अब ज़ीरो कर दिया है मैंने और कल हमने कुछ 337 किलोमीटर्स करे थे। तो आज शुरू करेंगे अपना एपिसोड नंबर 11 और सॉरी गाइस, मैंने आपको बताना भूल गया कि इस गेस्ट हाउस का नाम है आनंद यूल जिस्पा। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और प्राइजेस फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है सीज़न पे भी। तो अभी जैसे ऑफ सीज़न ऑलमोस्ट, क्योंकि सितंबर मिड आने वाला है तो प्राइस शायद कम भी मिल जाए आपको। तो बस एनीवेज, सो लेट्स गो। अभी हम जाएंगे किलांग, वहाँ से पेट्रोल भरवाएंगे, फुल टैंक करवाएंगे, फिर निकलेंगे चंडीगढ़। चलो जी लेट्स गो। ओए तो ये है होटल, ये आईबीएक्स होटल से जस्ट पहले है यूल जिस्पा गेस्ट हाउस। सो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. जो ये रिवर साथ में बह रही है इसको कहते हैं भागा रिवर और ये आगे जाके मिल जाती है जो चंद्रा रिवर है, चंद्रताल से जो आ रही है और दोनों मिलके जाती हैं, दोनों मिलके बन जाती है चंद्रा भागा और चंद्रा भागा फ्लो करती है टूवर्ड्स किला किश्तवाड़ एंड वहाँ से फिर इनटू कश्मीर। तो आज मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा है, बहुत ज़्यादा बादल है आज, ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश हो सकती है। सो गाइस क्या मज़ेदार ड्राइव है जिस्पा से मनाली की, मज़ा आ रहा है चलाने में बाइक। हरे भरे पहाड़ और लॉर्ड ऑल्टो लेफ्ट साइड में, लॉर्ड ऑल्टो तो बहुत दिखी, लद्दाख में दिखी, यहाँ दिखी, हर जगह लॉर्ड ऑल्टो इज देयर एवरीवेयर। कल तो जो हाल हुआ था ना भाई, ले से जिस्पा वाला, ओहो भाई साहब लिटरली रोना आने वाला था मुझे तो। गाड़ी आ रही है यहाँ से, लाइन टर्न में हमेशा हॉर्न मारना चाहिए, पता नहीं तो कौन आ रहा है। और ये देखो ऊँचे ऊँचे पहाड़, आह हाँ हाँ, अब अच्छे से ऑक्सीजन आ रही है, पिछले 2-3 दिन से तो ऐसा लग रहा था वही ऑक्सीजन ही आ रही। मुझे आज बताऊँ कौन मिले आज मुझे, मेरे होम स्टे में हम जहाँ रुके थे वहाँ बुल्लू भाई आए हुए थे तो उनसे मैं मिला। मैं आज काफ़ी सारी बातें करी हमने बाइकों के बारे में, बस वो मुझसे पूछ रहे थे कि रूट कैसा भी लेगा यहाँ से इस पास से। मैं कहा बहुत ख़राब है। कह रहे अरे यार ये तो हर साल यही रहता है इनका, तो हर साल ख़राब रहती रूट। तो मैं कहा बट कुछ कुछ पैसे बन गए हैं, तो वो एक्चुअली वो लेके आए हुए थे ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X और वो आ रहे थे वहाँ से जिस्पास से होते हुए। किलांग आ गया है, यहाँ पे आपको सारे रिपेयर मैकेनिक्स मिल जाएंगे बाइक के, जिस्पा में कुछ नहीं है। अगर आपको बाइक वाइक रिपेयर करवानी है अपनी तो यहाँ पर रॉयल फील्ड के तो मैक्सिमम मैकेनिक्स हैं, बाकी आई थिंक KTM का भी कोई सपोर्ट है यहाँ पर जितना मुझे याद है। दिल्ली से लेके बस जो चलती है वो यहाँ रुकती है किलांग बस स्टैंड पर, तो अगर कोई बस से जा रहा हो तो वो फिर यहाँ तक आएगा। सो जो लोग सोच रहे हैं कि अगर मुझे जिस्पा से ले करना है बाइक पे, तो आई थिंक इट्स डूएबल, आराम से आप 10 घंटे 11 घंटे लगा के जाओ, पहुँच जाओगे आराम से ले, या फिर अगर ले से आ रहे हो जिस्पा तो 10 घंटे 11 घंटे में पहुँच जाओगे। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, 8:15 तक आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जिस्पा या ले से, ठीक है, तब भी आप डिस्टेंस कवर कर पाओगे। बिकॉज बीच में आपने जैसे देखा रोड्स बहुत ख़राब हैं और ये भी हो सकता है कि कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाए, रोड ब्लॉक भी हो जाए, तो आपको कहीं सर्च हो जाए, पांग में रुकना पड़ जाए। तो प्लान अकॉर्डिंगली और पता करके जाना कि भैया रोड खुला है नहीं खुला है, ऐसा ना हो कि आप पहुँच जाओ वहाँ पर रोड बंद मिले।
क्योंकि बीच में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है तो पेट्रोल की कमी भी हो सकती है। बट यस, जिस पास है ले से जिस पास डूएबल, 340 किलोमीटर का रास्ता टोटल आराम से कर लोगे। बट जो पांग से काटा लूप का रास्ता है ना, वो ख़राब है बहुत, तो वो आपको टाइम लगे करने में, तो उसके लिए आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। तो आ गया तांडी का पेट्रोल पंप, सोच रहा हूँ यहाँ से भरवा लूँ। किलोंग में भी आया था पहले, बट लगता है यहीं से भरवा लूँगा। उसके बाद नो टेंशन फिर पेट्रोल की, टंकी फुल। वाओ मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। The future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Sisu yahan se reh gaya hai 4 km. Pahunch gaye Sisu. Aur abhi humne kar liye kuch 52.8 km. अटल टनल आ चुका है और हम इसमें एंट्री करने वाले हैं। हम लोग अटल टनल एंटर करने वाले हैं। ये मेरा आई थिंक सेकेंड टाइम है। पिछली बार मैं एडवेंचर सी डंडी के साथ आया था। सो हियर वी गो इन द अटल टनल। हम लोग टनल में घुस चुके हैं और मैंने हेजर्ड लाइट्स ऑन नहीं करी हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे याद है मैं पिछली बार आया था वहाँ, टनल में इतना धुआं नहीं था, मतलब अब तो इतना बहुत धुआं है यार अंदर, पता नहीं वेंटिलेशन है कि नहीं इधर प्रॉपरली। आ गए जी बाहर अटल टनल से। वाओ, सब कुछ बदल गया, अरमान बदल गए, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। आ रही है मनाली वाइब्स, ये देखो वो देखो भाई क्या सीन है, मज़ा ही आ गया। आहा, क्या वादियाँ हैं, ओहो हो, ठंडी ठंडी हवा। अपडेट ये है कि हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं आई थिंक 12, और यहाँ से चंडीगढ़ बचा होगा 260-270 के आसपास। तो देखते हैं डिस्टेंस कितना कवर कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बुकिंग अभी होटल की वहीं करवा दी है। सो एक बात तो है कि मेरा फाइनली पूरा जो श्रीनगर से ले टू मनाली का सर्किट पूरा हो गया, एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ है क्योंकि पिछली दो बार जा चुका हूँ मैं। तो पिछली बार तो ये हुआ था कि मैं मतलब मनाली से मैं ले गया था और फिर वहीं से वापस मनाली आया, और उसके बाद जब संस्कार गया तो मैं फिर शिंकुला से होते हुए गया संस्कार और वापस फिर मैं श्रीनगर से आया था। तो मेरा ये सर्किट कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। और ये देखो भाई यहाँ पर लगता है लास्ट ईयर का जो फ्लड था ना उसका चक्कर, उसका वो है रिज़ल्ट कि रोड्स ख़राब हैं, हमें पूरा पानी यहाँ तक आ गया लग रहा है मुझे पिछले साल ना। अपने मनाली छोड़ दिया पीछे और हम जा रहे टुवर्ड्स कुल्लू। अभी हम लोग कुल्लू में हैं और हमने यहाँ पर ये ढाबा है, यहाँ पर लंच किया है और बारिश हो रही है हल्की हल्की। अब पता नहीं गोप्रो कब तक मैं बाहर रख सकता हूँ, पर अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं टुवर्ड चंडीगढ़, देखते हैं कहाँ तक बारिश कम होती है।
आई थिंक गाइस मुझे गोप्रो अंदर रखना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं यार, मैं रिस्क नहीं ले सकता इसको लेके। अपडेट दे रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम बाद। कुल्लू में हमने लंच कर लिया था, उसके बाद बारिश हो गई थी, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ जो मतलब पैंडो जो डैम है और टनल जो है, और टनल से मंडी तक इतना गंदा जाम है भाई साहब, कई गड्ढे कई ख़राब रोड। 20 किलोमीटर को कवर करने में कम से कम 2-1.5 घंटे लग गए हमें। देखे रेनबो यहाँ पे तो अभी थोड़ी देर रुके हैं और हम निकलेंगे आगे। फिर सुंदरनगर से कोई बाईपास रोड बन गई है पूरी, जो हमें बिल्कुल स्किप करा दिया। सुंदरनगर का जो सिटी आता है तो एटलीस्ट हमें वहाँ पर ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। आगे स्वारघाट आएगा, स्वारघाट में कितना वो हुआ है देखते हैं। सुना था मैं वहाँ पर भी टनल बनी है, बट लेट्स सी हाउ मच मतलब उससे कितना हम बच सकते हैं ट्रैफिक से। क्या एक और टनल, आई थिंक हम लोग स्वारघाट को बाईपास कर देंगे, आई गेस सो। ये कोई ढाबे आए हैं, चाय पीते हैं, चाय का ब्रेक लेते हैं फिर चलते हैं आगे। चाय का ब्रेक हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन दैट इज चंडीगढ़। होटल हमने ऑलरेडी बुक कर दिया था, हाँ ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता जा रहा है और काफ़ी थक चुके हम लोग आज। हेलमेट गियर वेयर सब मिट्टी में हो रहा है भाई, सब कुछ मिट्टी में हो रहा है। We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, yaar, kya road banayi hai bhai? Kya tunnel pe tunnel banaya hai bhai? Oho. Bhai, literally Swarghat to pata nahi laga kab gayab ho gaya bhai. 98 Chandigarh. ब्रिज भी आ गया एक और टनल, लेकिन पता है कितने टनल क्रॉस कर चुके हैं अभी तक, हम इतने टनल आ चुके हैं। अब देखो सामने एक और टनल आ रहा है वहाँ पे, वो उधर टनल नंबर 1। अच्छा ये आई थिंक लास्ट टनल होगी, वहाँ से बने ना ये। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए, फाइनली वी आर बैक इन द प्लेन्स एंड वी आर सेइंग गुड बाय टू द माउंटेन्स जो रह गए पीछे। अब हम मिलेंगे इनको नेक्स्ट टाइम कहीं और किसी और टाइम पे। सो बस अभी यहाँ से चंडीगढ़ रहेगा कुछ 80-85 किलोमीटर्स। भाई अभी रुक के वाइजर साफ़ किया है और अब एकदम क्लियर दिख रही रोड, और अभी पहुँच रहे हैं 7:03 और हम लोग 8 बजे तक अपने मतलब गेस्ट रूम या होटल में पहुँच जाएंगे। मैंने B&B बुक करवाया है चंडीगढ़ में, नॉट रियली चंडीगढ़ बट मोहाली में। तो बस आउटकट से निकल जाएंगे फिर कल सुबह दिल्ली के लिए। भाई लोकेशन में पहुंच गए, ओके। सो हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़ और हमने आज अराउंड 350+ किलोमीटर्स करे हैं फ्रॉम चिस्पा टू चंडीगढ़। हमने ऑलरेडी अपने Airbnb अपार्टमेंट चेक इन कर लिया है एंड मैं आपको दिखा देता हूँ अपार्टमेंट। तो दिस इज़ द अपार्टमेंट, दिस इज़ द रूम। यहाँ पर सोफ़ा है, बेड है, डबल बेड है, AC लगा हुआ है, TV है एंड दिस स्मॉल यू नो प्लेस फॉर द ड्रेसिंग एंड देन दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम तो क्लीन लग रहा है मुझे, गीज़र भी है थोड़ा सा। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक, लुक्स गुड। प्राइस मैं आपको मतलब आप स्क्रीन पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये है आज का किलोमीटर काउंट, 355 किलोमीटर फ्रॉम चिस्पा टू चंडीगढ़। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, वो होगा हमारा फाइनल लद्दाख सिटीज एपिसोड, दैट इज टुमारो। सो अब मैं आपको मिलता हूँ कल, टिल देन राइड आउट राइड सेफ, आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।